साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। रात्रि के 11 बज रहे हैं और आज का जो लाइव है हमारा वो राजस्थान के तमाम उन बीएड धारियों को और बीएसटीसी धारक है जितने भी, जिसका कोर्ट में आज जो हियरिंग थी, जिस पे सुनवाई थी। आज पूरे दिन में व्यस्त था, अपने जो मुख्यमंत्री साहब है उनका कोई कार्यक्रम था, आप लोगों को पता है, जोधपुर में आया हुआ था। और इसके साथ ही जो प्रक्रिया थी मैंने आपको वैसे कल अवगत करा, अलग अलग प्रकार की जो बात रख रहे थे, कई प्रकार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, कई मीडिया वीडिया में कई न्यूज फेक न्यूज चलाई गई, उन सब को लेके फिर बार बार युवाओं के जो कॉल मैसेज आ रहे थे, तो उस संदर्भ को लेके मैं लाइव जुड़ा हूं कि क्या आज के कोर्ट के केस में क्या रहा, किस प्रकार का एफिडेविट था और क्या एफिडेविट आज ही दिया गया, इस एफिडेविट की क्या प्रोसेस है, इसके क्या परिणाम निकाले जा सकते हैं और किस प्रकार से ये जो एफिडेविट का जो प्रोसेस, जो हवाबाजी की गई है, इसकी सच्चाई कितनी है, इन सारी बातों को लेकर मैं लाइव कर रहा हूं। अभी मैं जोधपुर से निकला हूं और बीच रास्ते से ही मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में लाइव रूबरू होके सारी चीज असलियत बतानी जरूरी है। सबसे बड़ी असलियत तो यही है दोस्तों कि कल रात को मैंने लाइव आप लोगों को बता दिया था कि आज के कोर्ट केस में किसी भी प्रकार से कुछ भी बहस नहीं होनी है। ये एफिडेविट इन लोगों को बताने वाला असलम चौकदार है, इन लोगों को बताया नहीं था। कल भी हमारे पास एफिडेविट की कॉपी थी, हालांकि 2-3 दिन पहले आ चुकी थी, और उस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, सरकार के एडवोकेट जनरल ने यह एफिडेविट दायर किया है। अब एक बड़ी बात यह है कि एफिडेविट क्या इसमें दम है, यही एफिडेविट में जो लिखा हुआ था, एफिडेविट ने कहा कि बीएड के हम जो अलाउ नहीं कर रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास राजस्थान में काफी साथी है, काफी संख्या में बीएसटीसी धारी है, तो उस आधार पे उन्होंने एफिडेविट दायर कर दिया कि ज्यादा हमारे पास है, इनफ संख्या में है, इस प्रकार का एफिडेविट दायर किया। उससे कई लोगों को लगा कि हाँ बहुत बड़ी जीत हो गई, ये हो गई, कई मीडिया वीडिया ने चला दिया कि 9 लाख बीएड धारियों को, एक तो आप लोगों को बता देता हूं 13 लाख से अधिक बीएड धारी है। दूसरी बात, जो एफिडेविट का जो मामला था, यही बीएसटीसी के वकील श्री मनोज भंडारी ने अपनी ड्राफ्टिंग में पहले ही लिख चुके हैं, जिसको कोर्ट ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हुए 2 दिन पूर्व एग्जाम से इस प्रकार से स्पष्ट तौर से आर्ग्यूमेंट करते हुए यह कहा है कि किसी ना किसी प्रकार से अगर बीएड यहां पे केस में कमजोर होती तो वही जो जस्टिस थे जो 2011 की भर्ती में थे, 2011 की भर्ती में जो बीएड वालों को जब बाहर किया गया था, जो जस्टिस थे वो ही सेम के सेम जस्टिस अब बैठे हुए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर से ये चीजें क्लियर की। अब मैं आपको बताता हूं एफिडेविट में और क्या नई चीजें हैं। एफिडेविट में एक तो ये कहा कि बीएसटीसी के पास पर्याप्त संख्या में लोग हैं, एक कुछ ये कहा कि हमारे पास इस प्रकार का राइट हो सकता है कि हम इस प्रकार में संशोधन कर सकते हैं। तो वो जो व्यक्ति, जिन लोगों को, जो बीएसटीसी के लोग हैं, इनको ये नहीं पता, इनके जो एडवोकेट है इनको ये नहीं पता, जब मैं आपको बता रहा हूं तो मैं बहुत कुछ इस बात को जानता हूं कि क्या होना है, किस प्रकार का होगा। आपका वकील जयपुर से निकल जाता है जोधपुर के लिए और आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि आगे क्या होना है। मैं एक दिन पहले बता दिया, एफिडेविट हमारे पास प्रतिलिपि थी, इसका काउंटर रिप्लाई दिया जाएगा कि आपके जो एफिडेविट आपने जो दायर किया है इसके प्रति उत्तर में दूसरे प्रकार से हम किस प्रकार से कार्य करेंगे और कौन कौन से जो आपने इस बात को कहा है कि अधिक लोग हो सकते हैं। फिर इन्होंने एक हवाला दिया जिसे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हैं जहां पे डीएलड वाले संख्या कम है, राजस्थान में ज्यादा है डीएलड वाले, तो उन लोगों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बिहार ने प्राथमिकता का केस पटना हाईकोर्ट ने खारिज किया है, उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की बात को, वहां पे बीएड वाले बीएसटीसी वालों की संख्या काफी मात्रा में है, उसके बावजूद भी जीता कौन, बीएड वाला।
राजस्थान में 22 तारीख को जो सुनवाई होनी है, आप लोग निश्चिंत रहे, बीएड जीतेगी, बहस होगी, बहस 3-4 दिन लगातार चलेगी। हमारे एडवोकेट की पैनल में आप उतार चुका हूं, ये चीजें कुछ पब्लिक नहीं की जा रही है, कुछ प्राइवेट अपने हिसाब से। जब असलम चौबदार 11 बजे लाइव आ रहा है तो आप ये समझे 10 बजे 10:30 11 बजे कोर्ट से मामला निपट जा चुका था। और जो सरकार, कई लोगों को लगता है, मैं तो ये कह देता हूं, आप जो चाहते हैं, जैसे एजी साहब पैरवी करवा ले, चलो अगली हियरिंग में मैं एजी साहब को फिजिकली बुलवा देता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों की यही हार है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से इस केस को डाइवर्ट किया गया था। ये केस बीएड वालों के फेवर में है, निश्चित तौर पे है, 100% है। और कई जो मीडिया वीडिया पे इस प्रकार के आप जो ट्रोल व्रोल करके या फिर सोशल मीडिया पे कई लोग इस प्रकार की बातें रख के एफिडेविट दे दिया, आप एफिडेविट से राजी हो रहे, तो ऐसा एफिडेविट हिमाचल सरकार में ने भी कोर्ट में दिया जो नहीं माना गया। और राजस्थान में राजस्थान सरकार हमारे साथ इस प्रकार के मामले को रहेगी। और कईयों को जैसे कई लोग ऐसे जो बीएसटीसी वाले होते हैं, जो खुद लिख देते हैं कि उन तो मैं बीएड वाला, लेकिन उनको सही तरीके से बीएड की स्पेलिंग नहीं आती है, वो व्यक्ति बीएसटीसी का पैरवी करता है कि मैं हूं बीएड वाला लेकिन जीतेगी तो शायद बीएसटीसी वाली ही। अरे भाई लोगों, मुंगेरी लाल के असीम सपने आप देखते रहिए। इस मैटर में कोर्ट भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं करती है, कोर्ट लीगली काम करती है। आप अपने एडवोकेट की टीम उतारिए, आप लड़िए इस मुद्दे को अच्छे तरीके से लड़े। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस भर्ती में लेवल प्रथम में बीएड वाले बैठेंगे, इस बात को सरकार को भी पता है। कल परसों में आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, लगभग 17,000 के लगभग जो लेवल फर्स्ट की जो सीटें आ रही है, बीएड सेकेंड लेवल की सीटें कम आ रही है, उसका भी एक कारण ये ही है कि सरकार को पता है लेवल प्रथम में बीएड वाले बैठ रहे हैं, संख्या ज्यादा है, और उस आधार पे कुछ जो सीटों का जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसमें भी थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है। और दूसरी बात, देखो बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं है, हीरू कुमावत जी आप कह रहे हैं बीएसटीसी वालों ने क्या बिगाड़ा, मैं किसी बीएसटीसी वालों को कोई बाहर नहीं करा रहा हूं, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसके नंबर ज्यादा है, जिसकी योग्यता समय सिद्ध है, और जो जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो व्यक्ति उसी प्रकार से शामिल होगा। आज मेरे लाइव थोड़ा लेट आने का कारण यही था कि मैं एडवोकेट का पैनल भी तैयार कर रहा था, दूसरा सीएम साहब का जो कार्यक्रम था उसमें लगा था, वहां से सारी चीजें उसमें समय लग गया, सारी बातें मैं लाइव नहीं आया तो लोगों को ये लगने लगा कि हो सकता है। अरे दोस्तों, मैं कल 11 बजे तक एडवोकेट के पैनल के रूप में हम काम कर रहे थे, आप लोगों को लाइव किया, उसके बाद में हमारी टीम की मीटिंग थी एडवोकेट्स के साथ, और किस प्रकार के इस केस को देखा जा रहा है। 11 बजे के पश्चात मैं सोया नहीं भाइयों, चाय वाय पी, और उसके बाद में एक जो ड्राफ्टिंग हमें तैयार करनी थी, जिस प्रकार से जो एप्लीकेशन है वो हमने तैयार की, वो जल्द से जल्द लेके आऊं, तो मैं वहीं जयपुर से निकला खुद उसी रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचा, वो चीजें जो भी चीजें हमें जरूरत थी वो अवेलेबल करवाई। उसके बाद में मुझे पता था, मैंने आप लोगों को जो भी चीजें थी लाइव बता दिया। अभी तो क्या है, कई लोगों को लगता है अभी बीएड का रिजल्ट आएगा, और लेवल प्रथम में बीएड वाले जीतेंगे। ये लोग हक के, अगर कई लोग कहते हैं हमारा हक है और है, तो ये कोई आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है, हक है और है। आप फाइट करें, कॉम्बिट करें, आप लड़े, जिसके अंक ज्यादा है वही जीतेगा, यहां पे कॉमन मेरिट बनेगी। और दूसरी बात, अपने संस्कारों को ना दिखाए, आप कितने क्वालिफाई हैं, किस प्रकार से हैं, इन चीजों का आप लोगों के सामने अंगित हो जाएगा, और जल्द ही आप लोगों को करारा जवाब मिलेगा। जो व्यक्ति इस प्रकार के सवाल उठा रहे थे,
मैं आपको आज भी कह रहा हूं, जो भी मैंने बात कही है वही हुआ है। मैंने आपको कल भी बात कही थी, मैंने आपको कोर्ट से पहले जब एग्जाम से पहले भी कहा था बिठाऊंगा। अब मैं आपको कह रहा हूं बीएड का रिजल्ट भी आउट होगा, दूसरी बात आप लोगों की सभी की नियुक्तियां भी होगी, आप लोग निश्चित तौर पर रहे, और कई लोग आपको गुमराह करेंगे, भ्रमित करने वाले भी यहां पर मार्केट में रहेंगे। झूठ फरेब की दुकानें बहुत सारी चल रही है, जितनी भी दुकानें हैं सब क्लोज हो जाएगी। और जो पप्पू इनको जो गुमराह कर रहा है, खुद इनको पास बैठा बैठा इनको गुमराह कराने की कोशिश कर रहा है, अगर हिम्मत है तो इनका साथ ही दे दे, अपने ओपनली आ जा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जितने मेरे साथ इतनी लेट नाइट को मैंने लाइव रखा। कई लोगों ने ये भी कहा कि हमारी टीम के जरूरी है, 500 से अधिक आप लोग जुड़ जाते हैं तो ये अच्छी बात है। देखो हक की कोई बात नहीं है, आपका कोई हक नहीं छीन रहा है दोस्तों, अगर आपका हक है तो आप लीजिए, लेकिन कंपटीशन लड़के लीजिए। यहां पे ये बीएड वालों का जो हक था 7 सालों से आपको पकड़ा रखा था, वो अब वापिस अपने हक की लड़ाई के लिए बीएड वाला खड़ा हो चुका है और जीतेगा। बीएड वालों कमर कस लीजिए, हर मुद्दे पे तैयार रहिए, आप कहीं भी नहीं हारेंगे, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। आप लोगों के सामने इतनी बड़े सुपर सीनियर एडवोकेट, अभी नाम आप लोगों के सामने साझा नहीं कर रहा हूं, वो फिजिकल हियरिंग के रूप में उतरेंगे। आप लोग निश्चित तौर पर रहे, जल्द से जल्द आप लोगों के घरों में खुशियां भी आएंगी। और ये जितना सोचते हैं ना, या ये जो पप्पू लोग जितने में बिकते हैं उतना मैं खर्च कर देता हूं, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, लव यू ऑल। चिंता मत कीजिए दोस्तों, हम अवश्य जीतेंगे।